तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड दैट इज आरवीएनएल कंपनी के बारे में। और आरवीएनएल के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 0.7-0.8% के अराउंड की एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है वो हमें तेजी, और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज हमें यहाँ पर एक साइडवेज परफॉर्मेंस और एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी जो है वो हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पर काउंटर के अंदर हमें पिछले 2-3 दिन से जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। आज काउंटर जो है वो विदाउट एनी रीजंस हमें क्या पॉजिटिव नोट पर क्लोज होता हुआ देखने को मिल गया। अब ये सारी चीज़ें वैसे इतनी ज़्यादा जो है वो मायने नहीं रखती, बट देन टू हम यहाँ पर जो है वो बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काउंटर कभी भी यहाँ पर जो है वो रिकवर होके भाग सकता है। अब रिकवरी के लेवल्स क्या होंगे, तो आइदर स्टॉक 500 के ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं निकल पाया और अगर इसी तरीके का मोमेंटम चलता रहा तो धीरे 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 करके हमें अगेन यहाँ पर जो है वो आरवीएनएल लोअर साइड पे गिरता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है वो अगेन शायद से हमें 440-435 के लोअर साइड्स देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ तक स्टॉक गिरता है, वहाँ से रिवर्सल लेता है, देन अगर आप चाहो तो यहाँ पर अच्छी खासी क्वान्टिटीज़ को ऐड करके अगेन लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हो।